दोस्तों सैमसंग ने इंडिया में अपना एक नया फोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है गैलेक्सी M01S, जो कि कुछ दिन पहले ही इंडिया में गैलेक्सी M01 को लॉन्च किया गया था। लेकिन दोस्तों ये फोन उतना खास चला नहीं, लेकिन फिर यहाँ पे सैमसंग ने M01S को लॉन्च कर दिया है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इसी फोन के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि इस फोन में आपको क्या क्या खास फीचर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों इस फोन के मैं यहाँ पे 5 कमियां के बारे में बात करूंगा जो कि दोस्तों आपको इस फोन में देखने को मिलेगा। सैमसंग के फोन दोस्तों काफी अच्छे होते हैं, लेकिन सारे फोन अच्छे हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इस फोन के कुछ कमी के बारे में बात करूंगा जो कि दोस्तों आपको फोन खरीदने से पहले जानना चाहिए। नहीं तो दोस्तों अगर आप फोन खरीद लेते हैं तो आपको बाद में पछतावा होगा कि इस फोन में ये फीचर नहीं है, इस फोन में वो फीचर नहीं है, तो उस समय आपको बहुत ही बुरा भी लगेगा। इसलिए दोस्तों आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इस फोन के डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में। दोस्तों इस फोन का डिजाइन बिल्कुल आपको पुराने जैसा देखने को मिलेगा, जैसे कि पुराने सैमसंग के फोन देखने को मिलते हैं। और इसमें आपको प्लास्टिक की बॉडी दी गई, इसमें आपको कोई भी ग्लास नहीं दिया गया है, और इसके पीछे में ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। सामने में इसमें आपको इन्फिनिटी वी टाइप की नॉच दी गई है। दोस्तों इसमें आपको 6.2 इंच की एक HD+ स्क्रीन दी गई है। दोस्तों HD+ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आपको IPS पैनल नहीं दिया गया है। इसमें दोस्तों आपको TFT डिस्प्ले का यूज किया गया है। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे सबसे पहला कमी यही लगा कि इस फोन में आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगा, इसमें आपको IPS पैनल नहीं दिया गया है। कैमरा के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 13+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा दिया गया है, साथ में इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो दोस्तों कैमरा के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों फिर भी कहेंगे कि जिस प्राइस में फोन लॉन्च हुआ है दोस्तों उस प्राइस में आपको डुअल कैमरा देना है यहाँ पे बैक साइड में, मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे समझ से परे है। अब बात करेंगे इस फोन के प्रोसेसर के बारे में। इसमें आपको MediaTek का हेलियो P22 दिया गया है, जो कि दोस्तों जिस प्राइस में फोन लॉन्च हुआ है उस प्राइस में दोस्तों इस प्रोसेसर को बिल्कुल वर्थ नहीं कर सकते हैं मेरे हिसाब से। दोस्तों इसमें आपको कम से कम MediaTek हेलियो G70 देना चाहिए था या दोस्तों G80 देते, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में 8000 और 9000 में G70 दिया जा रहा है, जो कि इससे काफी बेटर रहेगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस फोन का जो दूसरा कमी है मुझे यहाँ पे सबसे बड़ा कमी लगा। बात करते हैं इस फोन के तीसरे कमी के बारे में, तो है इस फोन का OS। जी दोस्तों ये फोन आपको एंड्रॉइड के 9.0 पे लॉन्च हुआ है, तो आज के टाइम में एंड्रॉइड 9 के साथ में एक नया फोन लॉन्च करना दोस्तों बिल्कुल मतलब नहीं बन रहा है। बात करते हैं इस फोन के चौथे कमी के बारे में, तो है इस फोन का बैटरी। जी दोस्तों इसमें आपको 4000mAh की बैटरी तो मिल रही है, लेकिन दोस्तों आज के टाइम में जितने भी सारे फोन इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं, जो भी आपको 8000 से नीचे फोन लॉन्च हो रहे हैं, सब में आपको 5000mAh की बैटरी मिल रही है। तो दोस्तों इसमें भी आपको 5000mAh की बैटरी मिलनी चाहिए थी, जो कि इसमें आपको नहीं मिल रही है, इसमें आपको मात्र 4000mAh की बैटरी दी गई है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे पांचवें कमी के बारे में, तो है इस फोन का प्राइस। जी दोस्तों इसमें आपको 3GB का रैम मिलेगा और 32GB का स्टोरेज मिलेगा, और दोस्तों इस फोन का प्राइस रखा गया है 9999 रुपये। तो दोस्तों ये फोन आपको लॉन्च हुआ है 10000 रुपये में, और दोस्तों फीचर आपको कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से इस फोन का जो प्राइस है दोस्तों लगभग 8000 रुपये, या लास्ट कर सकते हैं कि 8500 से एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए था। बाकी दोस्तों आपको क्या लग रहा है कि आपके अनुसार से इस फोन का प्राइस कितना होना चाहिए, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको ये फोन नहीं खरीदना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी, आप चाहें तो इस फोन को खरीद सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बोलूंगा कि आप इस फोन को नहीं खरीदिए, क्योंकि दोस्तों 10000 रुपये में इससे काफी बेटर आपको फोन देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों आपको ये फोन कैसा लगा, क्या इस फोन को आप खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।